विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु महादेव ने चंद्रदेव को तो वीरभद्र जी के कोप एवं प्रभाव से रक्षित होने का उपाय बता दिया था, किंतु वीरभद्र जी अभी भी अशांत एवं उग्र थे। उनके अनुसार चंद्रदेव के साथ साथ वे सभी भी दोषी थे जिन्होंने अपने नेत्रों के समक्ष प्रजापति दक्ष द्वारा माता सती का अपमान एवं उनका आत्मदाह होते देखा था। अब वीरभद्र जी की दृष्टि उन देवियों पर पड़ चुकी थी। आप किन देवियों की बात कर रहे थे लंकेश, जिन पर संकट छा गया था? स्वयं देवी सरस्वती एवं देवताओं की माता देवी अदिति, अर्थात वीरभद्र जी ने। ये वीणा की ध्वनि कहां से आ रही है? की देवी हैं आप, फिर भी अपने समक्ष सब कुछ होने दिया, कुछ नहीं कहा आपने, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं। इस प्रकार जिसने भी दक्ष प्रजापति के उस अन्याय का विरोध नहीं किया, शांत रहकर उन्हें मूक समर्थन प्रदान किया, वो सभी भी दंड के भागी बने। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? माता सरस्वती और माता अदिति को उनकी नासिकाएं पुनः कैसे प्राप्त हुईं? हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल तो आपसे अवश्य हुई है, छिपकर, शांत रहकर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है, इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय, पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पुनः पूर्ववत हो जाएं। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने माता सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। किंतु लंकेश, फिर चंद्रदेव का क्या हुआ? वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना, और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे। किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली? लंकेश, अभी तक नहीं गौरी नंदन, क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था, अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्रदेव के पास अब समय समाप्त हो चुका था। हे वृक्षों में श्रेष्ठ, हे महान दिव्य वृक्ष, मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें। क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई? प्रभु, आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? मुझ पर कृपा करें, यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई
तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु, और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। प्रभु की कृपा स्वरूप आज का शीश प्राप्त हुआ था। प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के छत विक्षत देह पर पड़ी तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए, और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया। उनका क्षोभ, देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम, वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। हाँ लंकेश, ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था, और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था। इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थी, क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था। तब माँ भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया, जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ। मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है। उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है। आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश। चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। ऐसे ही है मेरे प्रभु। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभु की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है, और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझाकर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। हुँ, 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 हुँ,
लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेशी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है, वो श्री हरि नारायण लंकेश, जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरी पुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णु देव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है, और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्ट दिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और नौ दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे, या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे करेंगे, अवश्य करेंगे, और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है, और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है, माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र 1 नींबू एवं 1 वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है, और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता। अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहां पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं, और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता। हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित समस्त देवी देवता गण, कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं।
आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए। क्योंकि मुझे विश्वास है, प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। हर कार्य में हमारा प्रयास उसी कोमल रस्सी की भांति होना चाहिए जो बार बार शिला पर घिसकर उसे अंततः काट देती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.